हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कॉलेज से। सो यस, ये है मेरा कॉलेज, मेरा सेंटर यहीं पड़ा था। सो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने आई थी इग्नू का। सो आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अभी सबसे पहले मैं ही बाहर आ रखी हूँ और मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ये देखो बेंच के पास मैं बैठी हूँ यहाँ पे और मैं वेट कर रही हूँ अभी बाकी लोगों का। वो भाई पूछना भी तो ज़रूरी है ना कि यार तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया, पूछताछ भी ज़रूरी है। सो इसीलिए मैं पूछने के लिए बैठी हुई हूँ कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया, क्योंकि आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था। फिर हम डायरेक्ट अगले साल मिलेंगे, मीन्स जून जुलाई में। हम अब जून जुलाई में नेक्स्ट हमारा एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मैं जाऊँगी पार्लर, मेरी एक फ्रेंड का पार्लर है तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। क्योंकि मैंने ना हेयर कटिंग की थी, मैं खुद से की थी हेयर कटिंग यूट्यूब से देख करके, तो मेरे आगे पीछे हो रहे हैं तो मुझे वो प्रॉपर सेट करवाना है, तो मैं अभी उसके पार्लर में जाऊँ। वैसे तो मुझे हेयर स्पा करवाना था बिकॉज़ मेरे बाल बहुत डैमेज, ड्राई और क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। सो करवाना तो था बट यहाँ पे कोई अच्छा सा पार्लर है नहीं, नॉर्मल पार्लर है जैसा आईब्रो फेशियल ब्लीच ऐसा सब नॉर्मल पार्लर है। क्योंकि ये डेवलप्ड सिटी नहीं है, सिटी तो है बट डेवलप्ड नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम अपने घरों में होम रेमेडी ट्राई करेंगे अपने बालों पे। सो अभी हम आपसे डायरेक्ट मिलते हैं मेरी फ्रेंड के पार्लर में। मैं यहाँ पे आ गई हूँ सुषमा के पास, ये देखो सुषमा का पार्लर। सो गाइस, मैं यहाँ पे आ गई हूँ और ये अभी मेरी फ्रेंड अभी जस्ट स्टार्टअप की है, जस्ट स्टार्ट की है ये पार्लर, धीरे धीरे इसको अभी बहुत कुछ करना है। सो अभी मेरा प्लान चेंज हो गया क्योंकि मैं कल ही बाल धोई थी। सो अभी मैं बाल नहीं कटवा रही हूँ, मैं अभी आईब्रोज करवाऊंगी और फिर देखती हूँ क्या क्या करवाऊंगी, क्योंकि इसके पास अभी मशीन भी है स्पा वाला, तो देखती हूँ अगर मुझे स्पा करवाना तो। लेकिन अगर मैं बाल नहीं कट करी तो स्पा कैसे करवाऊंगी, फिर देखती हूँ क्या करवाती हूँ अभी मैं। सो पहले तो अभी मैं आईब्रोज करवाती हूँ। सो गाइस, अभी मेरा फिर से मूड चेंज हो गया, मैं सोच रही हूँ पीछे का नहीं तो एटलीस्ट आगे का जो छोटा छोटा ये सब जो हेयर है ना, ये मैं खुद से कट किए थे तो ये बस सेट करवा लूँ, बस ये सेट करवाने का सोच रही। तो क्योंकि मुझे हेयर स्पा भी करवाने का दिल था उधर हेयर मशीन, बट अभी ऑलरेडी 3 बज गया और ठंड भी लगेगा, अभी ठंड का सीजन है वैसे भी, सो अभी नहीं करवाते हैं, फिर कभी आएंगे, बहाना तो मिल जाएगा ना एटलीस्ट आने का। सो गाइस, अभी मेरा प्लान चेंज हो गया, अभी मैं हेयर कट करवा ही रही हूँ क्योंकि सुषमा मुझे सजेस्ट की कि तुम हेयर कट करवा ही लो। कौन सा हेयर कट कर रही मेरा? स्टेप विथ मल्टी कट, आगे से छोटा होगा पीछे से बड़ा ही रहा, क्योंकि मुझे अपना लेंथ छोटा नहीं करवाना है, लेंथ छोटा नहीं कराना भाई, बहुत मुश्किल से बाल बढ़ा है, अदरवाइज मुझे बहुत टाइम लगा है बाल बढ़ा। मैं इसलिए हेयर कट नहीं करवा रही थी ना क्योंकि मुझे लगा कि हेयर धोना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये पूरा कवर हो गया इससे तो आई थिंक अंदर नहीं जाएगा तो धोना नहीं पड़ेगा शायद। सो गाइस, अभी मैं घर आ गई हूँ और मैं बाल नहीं धोने का सोच रही थी, बट कितनों के बाल कोम्ब हुए रहते हैं उस कोम्ब में, सो इसीलिए मुझे बाल धोना पड़ा, क्योंकि वैसे भी मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत हेयरफॉल हो रहा है। सो ऐसे मुझे गंजा नहीं होना है भाई, मुझे बाल चाहिए गंजा नहीं होना है मुझे। सो गाइस, यहाँ ना बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रहा है और 2-3 दिनों से ना देखो ऐसे बादल करा है, धूप भी नहीं खिला है और बादल बादल किया है 2-3 दिनों से, और ठंड तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ठंड है। तो अभी हम तोड़ेंगे केले के पत्ते, ये है केले का पेड़ और यहाँ देखो केले भी आ गए हैं, तो अभी हम तोड़ लेंगे केले का पत्ते। सो इधर केला का पत्ता भी तोड़ गया और धूल भी गया, अभी हम इस केले के पत्ते में बनाने वाले हैं फिश, मीन्स हम इसमें फिश डाल के इसको आग में पकाएंगे। तो चलो अभी हम इसको आग में, यहाँ पर देखो आग भी जल गया। सो गाइस, मेरे पास एक ही पत्ता था तो माँ बोल रही कि एक पत्ता में नहीं होगा, उसको 2-3 बार रैप करना पड़ेगा। सो अभी मैं फिर से जा रही हूँ और पत्ता तोड़ के लाती हूँ। तो गाइस, हमको ना जो ये कोयला होता है, लकड़ी का जो कोयला होगा ना, उसमें हमको पकाना होगा ये मच्छी को, तो हम पूरी तरीके से अभी जलने देते हैं, उसके बाद जो कोयला होगा उसमें हम फिश को डाल के बनाएंगे। तो तब तक वैसे भी ठंड हो रहा है, धूप तो वैसे भी नहीं खिला है, तो तब तक हम आग सेकते हैं, वैसे भी ठंड बहुत है। इधर है केले का पत्ता, इधर माँ तेल डाल रही है उसमें, और इधर डाल रही है माँ मच्छी। मुझे है ना कब से ऐसे वाला फिश खाने का बहुत दिल कर रहा था, ऐसे पत्ता में डाल के आग में पका के वाला,
तो इसीलिए मैं माँ को बोली थी कि मच्छी लेके आना, लेकिन ऐसे छोटा वाला फिश नहीं मिल रहा था। तो बहुत चार कितना दिन के बाद मिला माँ? एक सप्ताह के बाद ना? एक सप्ताह। तो माँ को मैं एक वन वीक पहले से ही बोल रही थी लाने के लिए, बट उसको नहीं मिल रहा था। तो वन वीक के बाद वो लेकर के आई। वन वीक के बाद उसको फाइनली ये वाला फिश मिल गया। तो हमारे इधर ना, इधर क्योंकि इधर सी नहीं है, बीच नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे इधर ऐसे ही फिश मिलता है। और इसी यही वाला फिश बड़ा बड़ा ही मिलता है ना माँ? इसी का फिश बड़ा बड़ा, इसका बड़ा वाला फिश का नाम पता है तुमको? हाँ, तो इधर हमारे तरफ सिर्फ नदी है, तालाब है, सो इसीलिए यही सब फिश मिलता है, रोहू कतला जो भी, मुझे नाम नहीं पता उतना। तो यही सब फिश बड़ा होता है, और यही वाला जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, नॉर्मल फिश जो हर जगह मिलता है, वही वाला फिश मिलता है इधर। अभी हम इसमें डालेंगे। तो गाइस, इधर हमारा फिश रेडी हो गया है पक्के। अभी माँ इसको खोलेगी। ये देखो मस्त एकदम। तो गाइस, क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा कच्चा रह गया था, तो हम इसको फिर से थोड़ा सा पैन में करके इसको हम थोड़ा दिए हैं इसको हल्का सा, दो मिनट के लिए। अभी रेडी हो चुका है बिल्कुल, अभी हम इसको बनाते हैं। तो माँ अभी इस पैन में ही बना रही है, इसी में मैश करेगी, और ये लहसुन अदरक को कूट के इसमें मिला रही है, मिक्स कर रही है इसमें। और ये है हड़ुआ, ये होता है बांस का, तो हम इसको मिला रहे हैं इसमें हड़ुआ को। हम इसको अपना लैंग्वेज में इधर हड़ुआ बोलते हैं। ये बांस करील का नाम है, करील होता है बांस का जो आता है छोटा छोटा, उसको ये लोग कैसे करके बनाते हैं? पाउडर बनाते हैं उसको, उसका पाउडर बनाते हैं ये। और ये मिलाने से टेस्ट और बढ़ जाता है हड़वा मिलाने से। सो गाइस, यहाँ पे हमारा फिश चटनी बनके रेडी हो गया है। सो गाइस, अभी मैं खा रही हूँ खाना, क्योंकि मेरा फेवरेट मछली का चटनी रेडी हो गया है। सो गाइस, पोपट हो गया मेरा, अभी मैं खाना खा ली, खाना तो खा ली लेकिन मुझे पचा नहीं, सारा मछली पानी में बह गया, मतलब उल्टी हो गया मेरा, क्योंकि मुझे पचा नहीं, क्योंकि खाना मुझसे ख़त्म नहीं हो रहा था, तो मैं जबरदस्ती खा लिया ताकि वो वेस्ट ना हो। तो जबरदस्ती के चक्कर में मुझे उल्टी हो गई और सारा मछली निकल गया मेरा बाहर। अभी ना हम मुर्गी के घर में जाकर मुर्गी को माँ इंजेक्शन देगी अभी, क्योंकि उसको बीमारी हो रही है, बीमारी फैल रही है, तो सब में फैल रही है, तो अभी हम उनको पकड़ पकड़ के इंजेक्शन देंगे। बस हो गया। सो गाइस, हमारे चार मुर्गे थे, चारों को हमने सुई दे दिया। अभी इसको हम सुई नहीं दे रहे हैं, ये बाकी है, बट हम इसको सुई नहीं दे रहे हैं, इसको माँ दाना खिला रही है अभी, दवाई वाला मिला के, क्योंकि हमारी सारी मुर्गियां, मुर्गा को बीमारी पकड़ा है, वो सारे बीमार हैं, इसीलिए हमने उनको इंजेक्शन दे दिया और दवाई मिक्स करके हमने खाना खिला दिया। उसमें दवाई मिला हुआ था, सो हमने वो भी खिला दिया। हमने माँ बोल रही थी टीका दे दिया, मीन्स हमने टीका दे दिया उसको, जो भी हो, तो टीका दे दिया हमने। अभी मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।